गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष एंड यू आर वेलकम टू माई ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, LSRW ऑफ इंग्लिश के पार्ट 30 में आज हम लोग जानेंगे साउंड ऑफ ENT, दैट इज प्रोनंसिएटेड एज एंट। ENT जहाँ पे लगा होता है उसका साउंड आता है एंट की तरह। और चलिए, हमने कुछ शब्द लिखे हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं जिसमें ENT लगा हुआ है। आइए इसको कैसे पढ़ेंगे और इसके मीनिंग क्या आएंगे वो भी देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है BENT, बेंट, BENT, बेंट, ठीक है, BENT, बेंट। अगला बेंट, बेंट का मतलब हो जाएगा, इससे बेंट मतलब होता है मुड़ना, ओके, या झुकना, तो उसी का ये पास्ट फॉर्म है। अगला है TENT, टेंट, TENT, टेंट, तो इसको हम, इसका मतलब हो गया तंबू। अब जानते होंगे सर्कस वाले लोग आते हैं या फिर घुमंतू लोग आते हैं तो वो लोग टेंट गाड़ करके, या फिर कभी इलेक्शन चुनाव का टाइम होता है तो आर्मी लोग आती है तो वो लोग भी टेंट लगाते हैं, वो तंबू लगाते हैं और उसमें रहते हैं, वो एक घर टाइप का होता है। आगे है RENT, ये है आपका रेंट, रेंट मतलब होता है किराया, जैसे हाउस रेंट, घर का किराया। ये है SENT, वो है सेंट, सेंट मतलब हो, जैसे सेंड मतलब भेजना, तो सेंट उसका पास्ट फॉर्म है, सेंट मतलब भेजा, ठीक है, या फिर भेजा गया। DENT, ये है आपका डेंट, डेंट मतलब होता है दांत, हाँ, और इसी से बना है डेंटिस्ट, मतलब दंत चिकित्सक। आगे है PENT, इसका उच्चारण होगा पेंट, पेंट का मतलब होता है जो चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, वो आप बोल सकते हैं कि चारों तरफ से घेरा हुआ, बंद किया हुआ, उसको पेंट भी बोलते हैं, हाँ, चारों तरफ से बाड़ा जो लगाते हैं ना, उसको पेंट भी बोलते हैं। आगे है GENT, आपने सुना होगा ही इज़ अ जेंटलमैन, तो GENT, जेंट, जेंट मतलब होता है सज्जन, जेंट मतलब सज्जन, मतलब सीधा साधा आदमी, अच्छा आदमी, उसको हम लोग सज्जन बोलते हैं, सच्चा आदमी को, ओके। तो बच्चों, ये था ENT लगा हुआ जिसका साउंड आता है एंट की तरह। उम्मीद है आप लोग इसको फिर से रिविज़न करेंगे और समझ गए होंगे और मीनिंग भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए, अब जल्दी ही टेस्ट लूँगा मैं इसी पर आधारित, जो कि आपको देना है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नए साउंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।